हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि अभी आप स्लिप डिज़ाइन देख रहे हैं, वैसे ही स्लिप डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कपड़ा, इसकी लंबाई 7.5 इंच है, जिसे हम कट करने के बाद 6 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई 18 इंच है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है और डबल फोल्ड में ही हम 3.5 या 4 इंच के लगभग एक मार्क कर लेंगे और उसे हम कट कर लेंगे। और जितना हम कट करेंगे उतना तो सिलाई छोड़कर हम यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे, यानी कि चुन्नट। तो यहाँ पर हमने कपड़े की लंबाई कम कर ली है, 1.5 इंच कम कर ली है, 7.5 इंच थी। अब यहाँ से हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कट लगाया था। और अब हम यहाँ पर दूसरा जो कट आया वहाँ पर ऐसे ही सिंपल हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड भी सिलाई लगा लें। अब कपड़े को मिलाकर बराबर करके हम इसमें स्लिप कटिंग कर लेंगे। जो हमारा नाप होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। करने के बाद अब हमारा जो प्लीट जो ओपन हो गया है उसे हम फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बकरम लेंगे जिसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। और यहाँ पर एक चूड़ी ले लेंगे या आपके पास जो भी राउंड शेप में हो, और राउंड शेप को देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे कपड़े पर आयरन की हेल्प से चिपका लेंगे इसी तरह। और दो कलर में कपड़ा हम लेंगे, नीचे की साइड हमारा अलग कपड़ा रहेगा और इसी तरह राउंड शेप में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़े की तरफ से हम एक छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा है उसे सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। इस तरह से हमने जितने भी बनाए होंगे उसे पलट लेंगे और सुई धागा से सिल लेंगे।
और हल्की इसे आयरन कर लेनी है। आयरन कर लेने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करते हुए किनारे की तरफ हल्का शेप देते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए अब सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सब में बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक और बकरम लेंगे, कपड़ा लेंगे जिसपे बकरम पहले से ही चिपकाया हुआ है। 3 इंच है इसकी लेंथ और ये डबल फोल्ड है और कपड़े को दोनों साइड से अंदर की ओर 1/2 इंच करके मोड़ा हुआ है। और इसको ऊपर और इस डिज़ाइन को हम रख कर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारा अब स्लीव है उसे ऊपर की ओर ये डिज़ाइन रखते हुए 1/2 इंच ऊपर रखेंगे हम और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे स्लीव के ऊपर ये डिज़ाइन लग चुकी है और एक कपड़ा हम लेंगे अंदर की ओर 1/2 इंच ही मोड़ी हुई है और इसके ऊपर रख कर स्टिच कर लेनी है ताकि ये और भी सुंदर दिखे। तरफ सिलाई हो चुकी है, दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे बना हुआ है और यहाँ पे मोती लगा